अच्छा व्यूवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये जो है ना, ये इस दरख्त का, इस दरख्त में एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, और मेल का जो है ना वो ये फूल उतार के और उसका चूरा बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शानी मीर थाईलैंड से। व्यूवर्स, आपको एक फ्रूट दिखाया था जिसका नाम था सल्ला, थाईलैंड का अनोखा फ्रूट। तो आज आपको इस फ्रूट के बाग में लेके आया हूं मैं। ये देखें, आपको डिटेल से बताते हैं कि ये किस तरह से फ्रूट जो है वो पैदा करते हैं, ये इस दरख्त से इसका कुछ मिलाप करते हैं। तो फिर ये जो है ना, इस पर कुछ डेट्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। तो ये जोया के पापा की जगह है, लेकिन ये उस गांव में जहाँ पे वो पैदा हुए थे, दूसरे प्रोविंस में। तो इसकी पुप्पो इसकी लुक आफ्टर करती हैं। आपको दिखाते हैं ये इसके बारे में डिटेल। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना काटते हैं। अच्छा, ये डेट लिखी हुई है जी इन्हें, ये देखें कि वन थी सिफ़ा और सिपैट सिपैट गंसिप। मैं अभी जोया से पूछ के बताता हूँ कि ये डेट क्या लिखी हुई है इन्हें। ये देखें, इन्हें पूरा जो है ना वो घर बनाया हुआ है। अच्छा ये देखें, अभी इन्हें ये कुछ फ्रूट उतारा है, ये एक हाथ पे ग्लव्स डाल के तो फिर ये उतारते हैं। वो कैंची सी है इनके पास, उससे काटते हैं ये, ठीक है। अभी इसे वॉश कर रहे हैं। तो ये पानी, ये देखें, ये मोटर लगाई हुई है इन्हें और ये इस खाल से पानी ले रहे हैं। वो देखें पाइप, वो आपको अगर नज़र आ रहा हो, पाइप वहाँ पे फेंका हुआ है, वहाँ से फिर ये मोटर जो है पानी खींच रही है ऊपर। अच्छा व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये जो है ना, ये इस दरख्त का, इस दरख्त में एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, और मेल का जो है ना वो ये फूल उतार के और उसका चूरा बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रीड हुई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो फूल है ना, एक तो रेड वाला बिल्कुल दिख रहा है, इसे अभी ब्रीड नहीं हुई। ये जो है ना, इसे अभी मिक्स नहीं किया मेल के फूल के साथ, ठीक है। वो जो मेल का बूरा जो मैंने आपको दिखाया डिब्बे में पड़ा हुआ, वो बूरा मेल दरख्त से उतार के डब्बे में सेव कर लेते हैं। फिर ये अब फीमेल का दरख्त है, इसके साथ ये देखें फ्रूट लगा हुआ है, तो ये फीमेल है। अब इसके फूल के साथ जो है ना, छापर में इसका फूल डाल के ना, यानी तोड़ते नहीं हैं इसी तरह, उस वो बूरा होता है छापर में, और ये फूल उसमें डालते हैं, अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि वो बूरा इसके साथ लग जाए, यानी वो मेल का जो फूल है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। अब ये 2 दिन पहले इनने जो है ना ब्रीड किया है, मिक्स किया है, ये साथ डेट लिख लिया इनने, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, उसके बाद जो है ना ये इसे इस तोड़े से कवर कर देते हैं कि इसे पानी ना लगे, ठीक है। 4 दिन तक इसे पानी नहीं लगना चाहिए, ये सारी डिटेल मैंने उनसे पूछी है। 4 दिन तक इसे इसी तरह कवर करके रखना है कि कोई छीन वगैरह बारिश वगैरह ना हो। उसके बाद 4 दिन बाद ये तोड़ा उतार देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़े से पुराने ब्रीड किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह लग रहा है कि ये सूख गया हुआ है, लेकिन ये सूखा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, ये बनना शुरू हो जाता है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होके ये देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा फ्रूट तैयार।
तो ये जो है ना 8 माह में तैयार होता है, 8 माह से पहले इसे नहीं उतार सकते। ये डेट्स इन्हें लिखी हुई हैं कि कब हमने मिक्स किया था, इसके 8 माह बाद जो है ना ये फल उतार के खा सकते हैं। है ना व्यूअर्स इंटरेस्टिंग बात, मज़ा आ गया वैसे मुझे इसकी डिटेल सुनने का। यानी मैंने पहले इस तरह कभी नहीं सुना कि इस तरह भी जो है ना वो होता है कि हाथों से यानी मैनुअली। ये तो पता है कि पौधों में फीमेल मेल होते हैं तो ओवरीज के जरिए जो है वो होता है उनका मिलाप, लेकिन ये नहीं सुना कि इस तरह हाथों से मैनुअली जो है ना वो ब्रीड करते हैं और फल लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है वैसे व्यूअर्स। अब ये जो है ना ये सारे फीमेल दरख्त हैं, इसीलिए इनके साथ फल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये सारे जो है ना ये फीमेल दरख्त हैं, इनके साथ देखें कितना फल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो मेल दरख्त हैं ना वो इनके घर के बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फूल ही लगते हैं और वो फूल उतार के उसका वो जो ऊपर से बूरा सा उतार के वो सेव कर लेते हैं और उससे यहाँ पे आके ब्रीड कर देते हैं। और यहाँ पे इन्हें पूरा सेटअप बनाया हुआ है, ये कमरा शमरा इन्हें बनाया हुआ है सारा, मोटर शोटर लगाई हुई है। तो व्यूअर्स है ना मज़े की बात, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फ्रूट अंदर से किस तरह का दिखता है छील के, तो आप मेरी वो दूसरी वीडियो, मैं इस वीडियो के लास्ट पे जो है उसका वो लिंक भी दे दूंगा, तो उस पर टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी फ्रूट की पिक्चर है थंबनेल में और थाईलैंड का अनोखा फ्रूट लिखा हुआ है उस पर, तो उस पर आप टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि ये अंदर से किस तरह का दिखता है फ्रूट। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों से शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।